हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 125 सीआरपीसी की। देखिए, 125 सीआरपीसी की पूरी प्रोसीजर एक्यूरेट स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मेंटेनेंस केस से रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और बहुत ही स्मूथली और कम समय के अंदर आप अपने 125 सीआरपीसी को खत्म भी कर लेंगे और मेंटेनेंस भी आप पर कम से कम बंधेगा। तो आखिर तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा और जो जो मैं आपको बताऊंगा समझते रहिए, नोट डाउन करते रहिए और उसके बाद जस्ट आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। देखिए दोस्तों, 125 सीआरपीसी के केस में सबसे पहले आपके पास एक नोटिस आता है जिसमें लिखा रहता है कि इतनी तारीख को आप कोर्ट में अपियर हो जाइए। पहली डेट को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप पहली डेट को भी स्किप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं है। सेकेंड डेट जो भी एक डेढ़ महीने बाद की लगेगी उसमें आपको जाके अपियर होना है, क्योंकि पहली डेट पे जब आप अपियर नहीं होंगे तो कोर्ट क्या करेगा, आपकी अपीयरेंस के लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दे देगा कि अगली डेट पे आप आ जाएं। अगर अगली डेट पे भी आप नहीं जाएंगे तो एक्स पार्टी के प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर कर देगा। तो दैट्स व्हाई आप दूसरी डेट पे वहां पे अपीयर हो सकते हैं। पहली डेट पे कभी भी एक्स पार्टी का ऑर्डर नहीं होगा। हर किसी कारणवश ऐसा होता भी है, कोर्ट ऐसा कर देता है, तो सेकंड डेट पे आप एक सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा करके उसको सेट असाइड भी करा सकते हैं। मतलब कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पहली डेट को मिस करते हैं। सेकंड डेट पे जब आप वहां पे जाओगे तो उस समय पे आपके जो भी वकील साहब आपकी तरफ से होंगे उनको एक वकालतनामा लगाना है, या फिर आप जाके कह सकते हैं कि मैम मैं आज यहां आया हूं, यहां मैं किसी को जानता नहीं हूं तो मुझे वकील साहब हायर करने हैं, उसके लिए मुझे समय चाहिए। तो उस बिहाफ पे आपको एक डेट मिल जाती है। उससे नेक्स्ट डेट पे जब आप वहां पे जाते हो तब कोर्ट आपको कहता है आपको अपना रिप्लाई फाइल करना है। ज्यादा ज्यादा एक आध डेट आप स्किप कर सकते हो, उसके बाद आपको रिप्लाई फाइल करना होगा। मीनवाइल आप अपने रिप्लाई को बनाइए। बहुत सारे वीडियोज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो रिप्लाई होता है वही आपकी तरफ से आपका केस होता है, तो उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। रिप्लाई बहुत अच्छा बनना चाहिए, बहुत अच्छा रिप्लाई, ऐसा जिसमें केवल उन चीजों पे फोकस हो जिन चीजों की जरूरत है, अनावश्यक चीजें ना लिखी हो और टू द पॉइंट रिप्लाई हो। ऐसा रिप्लाई आपको 125 सीआरपीसी में फाइल करना है। डेफिनेटली इसमें रिप्लाई को ड्राफ्ट करते हुए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपके बचाव के लिए। अब आपने जब ये रिप्लाई फाइल कर दिया तो कोर्ट आपको कहेगी आप अपना रजनीश नेहा का एफिडेविट भी फाइल कर दो। अब आपको फाइल में देखना है क्या लड़की की तरफ से रजनीश नेहा का एफिडेविट फाइल है। अगर तो है फिर तो आपको अपने एफिडेविट पे वर्क करके उसकी ड्राफ्टिंग करके कोर्ट में फाइल करना है। एफिडेविट में भी ऐसा नहीं करना कि टिक मार्क मारा और फाइल कर दिया। आजकल ये प्रैक्टिस चल रही है कि फॉर्मेट पहले से बना रहता है, उसी फॉर्मेट के प्रिंटआउट पर टिक मार्क करके क्रॉस करके आप फाइल कर देते हैं। ऐसा ना करके अपने एफिडेविट को प्रॉपरली अपने केस के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कीजिए। उससे बहुत सारी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। इवन उसमें कॉलम होता है कि जहां पे आपको स्पाउस की डिटेल लिखनी है तो स्पाउस के बारे में, उसकी इनकम, उसकी एडल्ट्री, उसके डेजर्शन से रिलेटेड जो भी कंक्रीट डिटेल आपके पास है आप उसको वहां पे डाल सकते हैं। और आप टिक मार्क करके देंगे, अगर आप टिक मार्क करके देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आप सारी चीजों को कोर्ट के समक्ष उसी प्रकार से नहीं रख पाएंगे। अब आपने ये देखना है कि लड़की का रजनीश नेहा आ चुका है तो आपको भी वर्क करके रजनीश नेहा फाइल करना है। लड़की का रजनीश नेहा नहीं आया है तो आपको कोर्ट को बोलना है कि पिटिशनर ने अब तक अपना एसेट्स लायबिलिटी एफिडेविट फाइल नहीं किया है, जबकि रजनीश नेहा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पहले लड़की फाइल करेगी। तो इसको आदेशित किया जाए कि अपना रजनीश नेहा फाइल करे, उसके बाद फिर हम भी फाइल करते हैं। फिर जब दोनों की तरफ से रजनीश नेहा फाइल हो जाएगा तो फाइल आ जाती है एंट्री मेंटेनेंस के आर्ग्यूमेंट पे। एंट्री मेंटेनेंस के आर्ग्यूमेंट आप रिटर्न में करें, वर्बल के साथ आपको रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी करना है, और रिटर्न आर्ग्यूमेंट करने के बाद आपका जो है वो इंट्रीम का ऑर्डर पास हो जाता है। इसके बाद बारी आती है लड़की के एविडेंस की। अब यहां से ये लोग इस मामले को खींचना शुरू करते हैं, मतलब लड़की का एविडेंस होता है वो अपियर नहीं होती है। अब ऐसे में आप मेंटेनेंस के पैसे मत दो, मेंटेनेंस के पैसे आपको पार्शियली देने और थोड़े आपको रोक के चलने, और आपको कोर्ट को ये बोलना है कि ये अब देखिए इंटरिम तक तो लगातार आती रही और अब कोर्ट में नहीं आ रही है, तो ये कम से कम कोर्ट में आए, केस को चलाए, मैं पैसे देता हूं आगे। और जो ये इंटरिम का ऑर्डर आएगा ये भी आपको देखना है, अगर ये ऑर्डर बहुत ज्यादा है तो फिर इसको आपको चैलेंज करना है आगे हाईकोर्ट में। और अगर आपको लगता है कि ऐसा ऑर्डर है जिसमें हाईकोर्ट कोई रिलीफ आपको नहीं देगा तो इसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना है। आप इंटरिम का कुछ कुछ पैसा देते रहिए पार्शियली, और आपकी इविडेंस स्टार्ट हो जाएंगे। लड़की का आप किसी भी तरह से क्रॉस करवाइए। अब लड़की के क्रॉस के लिए आपको बहुत तैयारी करनी है। इस प्रकार से तैयारी करनी है कि 125 सीआरपीसी से रिलेवेंट जो क्वेश्चन है वो आप क्रॉस में पूछें। अगर आप इररिलेवेंट पूछेंगे कोर्ट आपको मना भी कर सकता है, क्योंकि एक समरी ट्रायल होता है। अधिकतर जगहों पर कोर्ट बहुत सारे तमाम क्वेश्चन पूछने की इजाजत आपको नहीं देता है। तो जो ऐसे क्वेश्चन हो जिससे आपके मेंटेनेंस पे फर्क पड़ेगा, उन क्वेश्चन की 20-25 क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ और वो क्वेश्चन आपके सबसे पहले पुटअप होने चाहिए। उसमें भी बहुत स्ट्रेटेजी है जिसपे मैंने अलग से वीडियो भी बनाए, और भविष्य में भी मैं आपके लिए एक वीडियो उस पर लेके आ जाऊंगा कि कैसे क्रॉस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। अभी जब क्रॉस क्वेश्चन आप लड़की से करेंगे तो उसके बहुत सारे झूठ वहां पर उजागर हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उसने अपनी प्लीडिंग्स में झूठ लिखा है।
अब इसके बाद क्या है, लड़की की तरफ से ज्यादा गवाह इसमें होते ही नहीं, लड़की होती है ज्यादा, उसके माता पिता में से कोई एक होता है, तो इन दो गवाहों को जितना जल्दी होता है क्रॉस कराओ, फिर फाइल आ जाएगी आपके एविडेंस पे। आप इसमें अपना एविडेंस मत दो, आप एक एप्लीकेशन कोर्ट को दो कि सर मैं किसी भी तरह का विटनेस अपनी तरफ से अपने डिफेंस में प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सबमिट ओनली डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। यानी आप जब अपनी तरफ से गवाही नहीं दोगे तो आपका क्रॉस भी नहीं होगा और आपका टाइम भी बच जाएगा, और क्रॉस होगा तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकल जाएगा जो कि आपके अगेंस्ट जाएगा। तो अपने क्रॉस को आपको स्किप कर जाना है और एक लिस्ट बनानी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, और उस लिस्ट के साथ ये सारे एविडेंस आपको कोर्ट में सबमिट कर देने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स का तो कोई क्रॉस होगा नहीं, तो एक ही दिन पे ये सबमिट हो जाएगा और अगली डेट पे फाइल जो फाइनल आर्ग्यूमेंट पे आ जाएगी। फाइनल आर्ग्यूमेंट भी आपको रिटर्न में करना है वर्बल के साथ साथ, और उसके बाद आपका जजमेंट आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया से अगर आप 125 सीआरपीसी में चलोगे तो आप बहुत सारा समय इवन सालों अपने बचा सकते हो और बहुत ही जल्दी इसका निर्णय हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने चीजें बताई इसमें काफी टेक्निकल चीजें भी है जिसपे एक एक पहलू पे अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी वो वीडियोज भी आपके सामने लाने की। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।